मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स इक्वल फ्रैक्शन, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है तो उसके इक्वल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का दो मेथड है, या तो हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले से ही कहा है कि जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट है 4/7, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 इज इक्वल टू 12/21। सेक्शन डी 18/19 इज इक्वल टू 18/19 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 इज इक्वल टू 4/57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच ईच पार्ट इन द फर्स्ट रो विद दियर करेक्ट ऑप्शन इन द सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो बुक में ये रो लिखा है लेकिन यहाँ हमने इसको कॉलम में अरेंज कर दिया है, तो इस बात को आप समझिएगा। बुक में रो में लिखा है तो क्वेश्चन हमने वहाँ से लिखा है लेकिन यहाँ पे हमने इसको कॉलम में अरेंज कर दिया है। कहने का मतलब फर्स्ट कॉलम में जो सेक्शंस दिए गए हैं उसका करेक्ट आंसर सेकंड कॉलम में है लेकिन कौन सा उसका करेक्ट आंसर है उससे उसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है सेक्शन ए 3/5, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 45/75, क्योंकि 3/5 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45/75 मिलता है, या फिर इसको ऐसा हम कहें कि 45/75 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हमें 3/5 मिलता है। नेक्स्ट बी है 41/11, तो इसको मिक्स में चेंज कर दिया गया है। मिक्स में चेंज करने पे यहाँ पे देखिए हमने 41/11 मीन्स न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाई द डिनोमिनेटर, 11 3 जा 33 एंड रिमाइंडर इज 8, 3 इज अ क्यूसेंट दैट इज़ अ होल नंबर एंड रिमाइंडर इज़ अ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हो गया 3 होल 8/11। सी है 2/3 ऑफ 1 आवर, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 2/3 × 60 मिनट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से 60 डिवाइड हो जाएगा 20 आएगा, 22 जा 40 मिनट ये आंसर होगा। कहने का मतलब सी सेक्शन जो है वो फर्स्ट से मैच होगा। नेक्स्ट डी है 4/7/9, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है आपको भी पता है, तो ये डी जो है थर्ड से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया बाद में उसको फिलअप कर दिया है, वो बुक में है आप देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं कि 4/5 × 4/4 लिखा है। यहाँ पे 20 दिया था तो हमने 5 और 20 के बीच का रिलेशन फाइंड किया, तो 5 से 20 को हमने डिवाइड किया तो 4 आया। इसका मतलब 4/5 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 16/20। नेक्स्ट 4/5 और 12/15, 15 ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 12 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 4 और 12 का रिलेशन, 12 / 4 इज इक्वल टू 3, इट्स मीन्स दैट 4/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/3, देन 12/15, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 4/5 एंड 28/, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 द रिलेशन बिटवीन 4 एंड 28 इज 28/4 इज इक्वल टू 7, इट्स मीन्स दैट 4/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 7/7, देन वी गेट 28/35। नेक्स्ट 4/5 एंड फिल इन द ब्लैंक्स 50, द रिलेशन बिटवीन 5 and 50 50/5 इज इक्वल टू 10, इट्स मीन्स दैट 4/5 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, देन 4 × 40/5 × 50, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है क्या फिलअप करना है उसको, अब इसको ध्यान से समझिएगा। आपका होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 आप एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू।